वहीं घाटी के हालातों को लेकर और बीजेपी पीडीपी सरकार पर निशाना साधते हुए पैंथर्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था की चरमराती हुई अवस्था को लेकर बीजेपी पीडीपी सरकार पर जम्मू पैंथर्स पार्टी ने निशाना साधा। साथ ही साथ कहा है कि जिस तरह से घाटी में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, काबू में नहीं आ रही है और अशांत इस वक्त घाटी हो रही है, इसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए पैंथर्स पार्टी नजर आई। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाने की पैंथर्स पार्टी ने मांग की है। इस वक्त नाराज है वो जो मौजूदा गवर्नमेंट है। 7% वोटिंग हुई है रियासत जम्मू कश्मीर में, जिसमें 4% महज वोट लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी जीते हैं और इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के है, चाहे पीस को लेकर के है, चाहे डेवलपमेंट की बात को लेकर के है, पूरी तरीके से इस वक्त राज्य सरकार जो है फ्लॉप हो चुकी है। मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द जो है वो गवर्नर रूल को इम्पोज किया जाए और मौजूदा असेंबली को डिसमिस किया जाए, क्योंकि लोग इस वक्त पूरी तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के खफा हैं।